नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 23 मई 2022 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज का दिन आपका जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा प्रोफेशनली। हाउएवर थोड़ा सा आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ और पुश करेंगे तो परिस्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल और हो जाएंगी, बेहतर परिस्थिति बेहतर सिनेरियो में आप अपने आप को पाएंगे अगर आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं, कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं। अगर प्रमोशन एक्सपेक्टेड है या नौकरी चेंज करने के जो लोग इच्छुक हैं वहाँ पर आपको अपनी चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। कोई शुभ संकेत, शुभता या कोई ना कोई परिस्थिति या अवस्था आपके लिए आज के दिन शुभ समाचार लेकर आ सकती है। अपने प्रयासों को कॉन्टिन्यूस फ्लो में रहने दीजिए, आपके लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, मन शांत रहेगा वृषभ राशि वालों, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी, घर में हार्मनी रहेगी, कंप्लीटनेस का एहसास होगा, क्वालिटी टाइम परिवार के साथ बिता पाएंगे, बिताया हुआ क्वालिटी टाइम आपकी परिस्थिति को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाएगा। लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव चूंकि कम हो चुका है, अब आपको जिस पॉजिटिविटी का इंतज़ार था वो परिस्थिति अब आपके लिए कहीं ना कहीं से डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग आपके काम की तारीफ करना चाह रहे थे नहीं कर पा रहे थे, कुछ ब्लॉकेजेज आ रहे थे, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल रिकॉग्निशन अगर मिलते मिलते रुक रहा था तो अब वो परिस्थिति आपके लिए अनुकूल होती हुई नजर आएगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, कार्य क्षेत्र के संदर्भ में मिथुन राशि वालों थोड़ी सी आपको टेंशन ज़्यादा हो सकती है, मन आपका नेगेटिव हो सकता है। विचारधाराओं को अगर प्रबल करना है तो आज के दिन हमें कुछ ना कुछ अपने लिए करना ज़रूरी है। पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करने के लिए आज के दिन अपने मन को शांत रखिए। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर भी आज के दिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है तो टैक्टफुली दिन की शुरुआत करें। छोटी छोटी बातों पे अगर चिड़चिड़ापन हो रहा है तो उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। आपकी छोटी सी गलती आज का आपका पूरा दिन बर्बाद कर सकती है। नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपके ऊपर हावी हो सकते हैं तो मन को शांत और कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए, परिस्थिति अनुकूल है कर्क राशि वालों, मन आपका शांत है, विचारधाराएं प्रबल हैं, गतिशील तरीके से बढ़ रहे हैं, प्रोफेशनली अपने लिए बहुत कुछ लाभदायक परिस्थिति आप क्रिएट कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आप क्रिएटिव एक्यूमन आज के दिन आपका हाई रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं कि आप ये करना चाहते हैं, ऐसा कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को अब आप चाहें तो एग्जीक्यूशन मोड में ला सकते हैं। कहीं से भी प्रोफेशनली या आर्थिक स्थिरता के रूप में आपको नेगेटिविटी या टेंशन देखने को नहीं मिलेगी। बिजनेस विस्तार के अगर बारे में आप सोच रहे हैं, खास तौर पे कुछ नया प्रोडक्ट लाइन सोच रहे हैं या कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं, दोनों ही तरफ आज के दिन आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए, परिस्थितियाँ सिंह राशि वालों विषम आपके लिए हो सकती है, खास तौर पर टॉक्सिक रिलेशनशिप से आज के दिन आपको अपने आप को बचा कर रखना है। कहीं पर अगर आपको लगता है कि चैलेंजिंग सिचुएशन के साथ साथ टॉक्सिक परिस्थिति भी बढ़ रही है, जहां पर आपको लगता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा बिटरनेस आ रही है या पारिवारिक रिश्तों में भी आ रही है, तो इमीडिएटली अपने आप को आपको डिटैच करना है। परिस्थितियों को फेवरेबल बनाने के लिए अपने मन को शांत रखिए, ऊर्जावान बने रहिए, अच्छी डाइट लीजिए, नियमित संयमित रहिए, साथ ही साथ अच्छे शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि क्लैरिटी बनी रहे और आपके ऊपर ब्लेम ना लगे। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए, परिस्थितियां कन्या राशि वालों बिल्कुल सही हैं, ऊर्जावान बने रहेंगे, नई चीज़ों को एम्ब्रेस कर पाएंगे, सामाजिक साख प्रतिष्ठा बनी रहेगी, इमोशनली स्टेबल भी रहेंगे और महत्वपूर्ण डिसीजंस भी ले पाएंगे। अगर आप चाहते हैं परिस्थितियां आपके फेवर में रहें, अगर आप चाहते हैं लोग आपके काम की तारीफ करें, तो आज के दिन आपको अपने लिए कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके लिए आपके मन को भी शांत करे, साथ ही साथ प्रोफेशनली भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो। कहने का मतलब ये है कि जब आपका क्रिएटिव एक्यूमन हाईएस्ट पॉइंट पे है, आज के दिन मन को शांत करिए, प्राथमिकताओं को एक साथ एकत्रित करिए, संगठित करिए, मनोबल को एक साथ बनाइए और आगे बढ़ चलिए। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, मन आपका शांत रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ को आप कर पाएंगे, लंबे समय से चल रही कोई पारिवारिक बाधा भी शांत हो सकती है, साथ ही साथ जो लोग नया काम काज करने की सोच रहे थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक ऋण जो है वो आप कम होता हुआ नजर आएगा, यानी कि रीपेमेंट की सिचुएशन आपके लिए तैयार होती हुई नजर आएगी। परिवार के किसी वृद्धतम सदस्य के थ्रू मिल रही कोई बहुमूल्य राय आपकी परिस्थिति में और ज़्यादा पॉजिटिविटी ला सकती है। चीज़ों को कुल मिलाकर पॉजिटिव बनाने के लिए अपने मनोबल को आज के दिन स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे हिट करने की कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए,
वृश्चिक राशि वालों, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है, तो सोच के समझ के खर्च करने की परिस्थिति या जो आपकी हैबिट है उसको आपको टैक्टफुली आगे चलने की कोशिश करनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिए जहां पर आपको लगे कि आप व्यर्थ में आपने ये डिसीजन ले लिया, बाद में आपको पछतावा ना हो, इसलिए सोच के समझ के ठंडे दिमाग से सारे आयाम को, तथ्यों को रिव्यू रिकॉल करने के बाद ही कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लीजिए जो आपके और आपके परिवार के हित में हो। साथ ही साथ लंबा खर्चा जो आ रहा है उसको बचाने के लिए इंट्रोस्पेक्टिव व्यू आज के दिन लेना जरूरी है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए, परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, हाउएवर संतान पक्ष से थोड़ी सी चिंता हो सकती है। आपको आज के दिन अपने मन को शांत रखना है, तनाव रहित जीवन जीने के लिए आपको आज से अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी एम्ब्रेस करिए। लंबे समय से चल रहा कोई तनाव आपके लिए ख़त्म हो रहा है, कोई लंबे समय से परिवार में कोई पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे थे जो बात होते होते रुक रही थी, अब वो परिस्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं शुभता या शुभ संकेत लेकर आ रही है। नई ऊर्जा का संचार रहेगा, खुद भी आप एनर्जाइज रहेंगे, परिवार में भी स्फूर्ति और पॉजिटिविटी आज के दिन आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों आज के दिन की मैं बात करूं तो नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि अपने मन को शांत रखिए। अगर आप अपने मन को शांत रखेंगे तो देखेंगे आपके लिए चारों तरफ से पॉजिटिविटी एम्ब्रेस्ड होकर आएगी। साथ ही साथ परिवार के किसी निकटतम सदस्य, आपके पार्टनर के थ्रू आपको कोई बहुमूल्य राय मिल सकती है। अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो देखेंगे कि आपके प्रॉब्लम में चल रही कोई जो परेशानी थी उससे निजात पाने के लिए उन्होंने कोई वैल्यूबल डिसीजन दिया है या वैल्यूबल सजेशन दिया है। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो देखेंगे कि परिस्थितियां आपके लिए और फेवरेबल हो रही हैं। आज के दिन नए कामकाज करने की परिस्थिति भी आपके लिए फेवरेबल होती हुई नजर आएगी। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए टायरिंग टैक्सिंग हो सकता है, चीज़ों में आप ज़्यादा कन्फ्यूज रह सकते हैं, आपको चिड़चिड़ापन भी कार्यक्षेत्र के संदर्भ में हो सकता है। पॉजिटिविटी एम्ब्रेस करने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को भी आप पॉजिटिव करिए। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो आपका अपने आप से चल रहा है उसको पहले साझा करने की कोशिश करिए, तो खुद भी पॉजिटिव रहना है, परिवार के सदस्यों को भी पॉजिटिव रखते हुए घर में शांति का वातावरण बनाते हुए कोई महत्वपूर्ण निर्णय या डिसीजन आज के दिन ले सकते हैं जो आर्थिक स्थिरता पूरे परिवार के लिए एक साथ ला सकता है। खासतौर पर अगर आप वाहन नया खरीदने की सोच रहे हैं या घर चेंज करने की सोच रहे हैं तो ये परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल आज के दिन हो सकती हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी, मन आपका शांत रहेगा, नया कुछ कर पाएंगे, निजी जीवन में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, संबंधों में जो दरार आ रही थी अब वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रूप लेते हुए आगे बढ़ेगी, सफलता आपको अपने प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेगी। कुल मिला के आज का दिन शांत अनुभव कराकर जा सकता है, अपने ऊपर भी काम करने की परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। अच्छी सिचुएशन, अच्छी परिस्थिति, अच्छी विचारधाराओं को एम्ब्रेस करिए, आगे बढ़ते चलिए जिससे कि आप अपने लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन ले पाएँ। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक ऋण भी आपके लिए अब साझा होगा, परिवार का कोई फीमेल सदस्य आपको एक बहुमूल्य राय दे सकता है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका मन आज के दिन और शांत होगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगे, नमस्कार।